subscribe our channel and press the bell icon to get the notification of our latest videos. हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई 2018 में हुए पेपर फिजिक्स के पेपर के आए हुए न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली मैं आपके न्यूमेरिकल्स और जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम उनको डिस्कस करूंगा, और क्योंकि आपका सेट वन, सेट टू और सेट थ्री तीनों में सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, तो इसलिए जो मैं सेट वन को लेकर सॉल्यूशन करूंगा, और जिनके पास सेट टू और सेट थ्री है तो क्वेश्चन नंबर आपस में मैच कर लेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर आपको जो वीडियो के साथ साथ मैं सेट वन का पूरा क्वेश्चन पेपर भी आपके पास अवेलेबल करा दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो सीबीएसई बोर्ड में सेट वन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग अलोंग द पैरेलल पाथ एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू देयर पाथ, Which of them will move in a circular path with higher frequency? तो आपको पता है कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका जो पाथ है वो सर्कुलर हो जाता है, और पाथ सर्कुलर हो जाता है तो हम इसमें जो इसका फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला आता है हमारे पास सॉल्व करके, वो है न्यू इज इक्वल टू बी क्यू टू पाई एम। अब जैसे कि जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे हैं वो है हमारे पास प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज सेम है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बाकी सारी चीज़ सेम है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि जो फ्रिक्वेंसी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अब वी नो वेरी वेल मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द फ्रिक्वेंसी फॉर द इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रोटॉन बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज द लेस मास। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सेकेंड न्यूमेरिकल को। अब बात करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज फॉर फर्स्ट पार्ट वाटर प्योरीफिकेशन के लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज होती है। सेकेंड पार्ट है आई सर्जरी के लिए आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन यूज होगी। ओके फ्रेंड, अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन। फ्रेंड, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद अप्लाइड वोल्टेज फॉर टू इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ इक्वल फ्रिक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी, मार्क द ग्राफ फॉर द रेडिएशन ऑफ हायर इंटेंसिटी। तो ये आपका ग्राफ जो प्लॉट होगा अप्लाइड वोल्टेज विथ डिफरेंट इंटेंसिटी I1 I2, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, स्टॉपिंग वोल्टेज, क्योंकि दोनों के दोनों रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी जो सेम है इसलिए उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, बट इनकी इंटेंसिटी अलग अलग है तो इनका सेचुरेशन करंट अलग अलग होगा, और जिसका सेचुरेशन करंट ज़्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मीन्स इंटेंसिटी I2 इज ग्रेटर देन द इंटेंसिटी I1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर जो है आपका, इसमें आपको बोलेंगे कि फोर न्यूक्लियाई है ऑफ एन एलिमेंट अंडरगो अ फ्यूजन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस विद रिलीज ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द टू द पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो। तो फ्रेंड, जैसे जानते हैं कि ये फोर न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बन रहे हैं और एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं,
और अगर एनर्जी को रिलीज करेंगे तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं जो डॉटर न्यूक्लियाई है डॉटर न्यूक्लियाई विल हैव द ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया विच मोड ऑफ प्रोपोगेशन इज यूज फॉर द शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विस। तो शॉर्ट वेव की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो लाई करती है आपकी स्काई वेव प्रोपोगेशन की रेंज में। तो इसलिए शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विस के लिए जो यूज होगा मेथड मोड ऑफ प्रोपोगेशन दैट इज स्काई वेव प्रोपोगेशन। ओके फ्रेंड,